आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। इंदौर जिले के राऊ की नगर परिषद के मेन बाजार राऊ में सजी राखियों की दुकान वहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते दिखाई दिया। आपको बता दें कि जिस तरह से त्योहार के आते ही मार्केटों में काफी उत्साह नजर आता था, अब वह उत्साह नजर नहीं आ रहा है। वहीं इस राऊ बाजार से कई गांव की खरीदी करने को आते हैं, पर जो पहले नजर आते थे अब नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं दुकानों पर इक्का दुक्का ही ग्राहक नजर आ रहे हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए इंदौर जिला ब्यूरो इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। बताएं आज आप राखी खरीदने आए? नमस्कार, मैं हूँ खुशी यादव। और मैं यहाँ आज राखी खरीदने आई हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे, राखी का त्यौहार आ रहा है और मैं यहाँ अपने छोटे भाई के लिए राखी लेने आई हूँ। देखिए, यहाँ पर कुछ प्रकार की राखियाँ हैं, अच्छी नई नई टाइप्स की। तो हमें सोशल डिस्टेंस, कोरोना महामारी के चलते हुए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है एंड मास्क लगा के अपने सेफ्टी से राखियाँ खरीदनी है और इस त्यौहार को सेलिब्रेट करना है। खुशी यादव, थैंक यू। क्या स्थिति है सर राखी की अभी और कैसा है व्यापार अभी? सर, हम राखी की दुकान लगाए करीब 8 दिन तो खोल चुके हैं, हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन हमें ग्राहक का इंतजार है, ग्राहक आ नहीं रहे। कल भी बाजार बहुत धीमी गति से चला, भीड़ भाड़ भी नहीं चलती यहाँ पर। अभी जो भी है, ये कोरोना के दौर में हर पब्लिक टाइम पे निकलना पसंद करती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जैसे अपनों को समय मिले वैसे अपन खरीदारी करें और जल्दी से जल्दी खरीदारी करके फ्री हो, भीड़ भाड़ से बचें। भीड़ भाड़ से बचें। आपका नाम? सुनील जाट।